कैसी लगी फिल्म? हाँ सर, अच्छी फिल्म है, एक बार देखी जा सकती है। परिणीति चोपड़ा काफी समय बाद देखने को मिली, मेरे ख्याल केसरी में शायद लास्ट टाइम नजर आई थी अक्षय कुमार के साथ, उसमें भी काफी खूबसूरत लगी थी, इसमें भी अच्छी लगी। साथ में देखिए एक्शन भी कर रही है इस फिल्म में, इंस्पायर बनी हुई है एक तरीके से, तो मज़ा आता है उनको देख के, ज़बरदस्त एक्शन कर रही हैं। और मुझे तो लगता है उन्हें और एक्शन वाली फिल्में करनी चाहिए, काफ़ी अच्छा एक्शन करती हुई नज़र आ रही है। वही हार्डी सांधू भी है फिल्म में, वही देखिए वो पाकिस्तानी बने हुए हैं, उन्होंने काफ़ी अच्छा अपना कैरेक्टर प्ले किया है। वो देखिए सिंगर है वैसे तो, लेकिन कितनी ज़बरदस्त वो एक्टिंग करते हैं इसमें, मतलब 83 में भी हमने उन्हें देखा था एक्टिंग करते हुए, लेकिन उसमें इतना बड़ा रोल नहीं था। इसमें तो देखिए क्या ज़बरदस्त उन्होंने एक्टिंग की है, साथ में उनके सॉन्ग्स भी हमें सुनने को मिलते हैं फिल्म में, परिणीति के साथ लव केमिस्ट्री भी देखने को मिलती है, तो मज़ा आता है। लेकिन फिल्म आपको कहीं ना कहीं सलमान खान की टाइगर फ्रेंचाइजी, सैफ अली खान की वो जो कौन सी फैंटम थी, आलिया भट्ट की राजी, इन सब फिल्मों का मिक्सचर लगेगी आपको एक समय के बाद। फिल्म बीच में थोड़ी सी फिल्म बोर करती है, उसके अलावा फिल्म काफ़ी अच्छी है। क्या लगता है ऑडियंस को रिकमेंड की जा सकती है फिल्म? हाँ जी, एक बार देखी जा सकती है, परिणीति चोपड़ा और हार्डी सांधू के लिए देखी जा सकती है, काफ़ी अच्छा क्योंकि उन्होंने मेहनत की दोनों ने ही। परिणीति चोपड़ा ने स्पेशली काफ़ी मतलब उनकी दम से फिल्म को खींचा पूरे एक तरीके से देखा है तो, क्योंकि देखिए वो एक्शन वगैरह भी कर रही है, उनके डिफरेंट गेटअप्स भी हमें देखने को मिल रहे हैं, तो काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस है परिणीति चोपड़ा की, अच्छी फिल्म। 5 में से कितना स्टार? 5 में से फिल्म को 3 स्टार्स देना चाहूँगा, काफ़ी अच्छी लगी।